नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिटिकल एम्बुलेंस फॉर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है कार्डियक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम दो सिनारियो देखते हैं। पहला सिनारियो जो घर पर है जहाँ एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है या एम्बुलेंस नहीं होती, और दूसरा सिनारियो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं तब का। तो पहला जो सिनारियो है, किसी व्यक्ति को घर में, ऑफिस में या ग्राउंड पे या कोई काम करते हुए अगर छाती में तकलीफ होती है, बहुत जोर से दर्द होता है, ऐसे वक्त पास में जो कोई इंसान, व्यक्ति, दोस्त या रिश्तेदार है, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना है, उसके बाद अस्पताल को इन्फॉर्म करना है। अगर एम्बुलेंस सर्विस पास में ही अवेलेबल है तो उन्हें कॉल करके जल्दी घर बुलाना है। अगर ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आने के लिए वक्त लग सकता है, 30 से ज़्यादा मिनट लग सकते हैं, तो जल्दी ही रोगी को लेकर अस्पताल पहुंचना है, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स या हार्ट से रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है इसमें बहुत कम वक्त मिलता है। यूजुअली हम मूवीज में या बाकी कहीं जगह पे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि आप अगर रोगी को जल्दी लेके आ सकते थे तो हम कुछ कर सकते थे। तो हार्ट के इसमें बहुत जल्दी हमें अस्पताल में पहुंचना जरूरी होता है। ऐसे रोगी को घर में अगर छाती में तकलीफ हो रही है और कुछ तकलीफ हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तो रेस्ट करना है और फोन करके इन्फॉर्म करना है रिश्तेदारों को या घर में कोई उसे बोलना है कि तुरंत अस्पताल जाना है। खांसी करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेन करना है, ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है, क्योंकि हमारे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई कम हो सकता है और उसकी वजह से जो हार्ट की शिकायत है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए याद रखें कि किसी को घर में, ऑफिस में या कहीं भी हम मूवी देख रहे हैं वहाँ पे अगर शिकायत हो रही है तो सबसे पहले पास वाले इंसान को बताना है और सबसे पहले अस्पताल पहुँचना है ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से मिल सके और जल्दी मिल सके। कार्डियक डिसीज में अगर ट्रीटमेंट टाइम पर मिलती है तो 100% रिकवरी के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट में डिले होता है तो उसमें जान जाने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब हम ऑफिस या घर में हैं तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचना है। दूसरा सिनेरियो, जब हम एम्बुलेंस में एक रोगी को दूसरे अस्पताल पहुंचाते हैं तो सबसे पहले हम अस्पताल से रोगी की जानकारी लेते हैं कि रोगी को किस तरह की शिकायत है। उसे दिल का दौरा गिरा है यानी हार्ट अटैक हुआ है, या उसके जो ब्लड वेसल्स है उसमें तीनों वेसल्स ब्लॉक्ड हो गए, उसे बाईपास सर्जरी के लिए शिफ्ट करना है, या छोटा बच्चा है जिसके कंजेनाइटली हार्ट एनोमली है, मतलब बचपन से ही उसके दिल के डेवलपमेंट में कुछ एरर्स रह गए, या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसके हार्ट वॉल्स में प्रॉब्लम है, जैसे मेट्रल स्टेनोसिस होता है या रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है या फिर और वॉल्वुलर डिसीज हो सकते हैं, जिसे सर्जरी के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना है। कोई रोगी के दिल के धड़कने कम ज़्यादा होती है, जिसे हम अरिथमियाज कहते हैं, ऐसे रोगी की सबसे पहले जानकारी लेते हैं ताकि हमें एम्बुलेंस प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो रोगी की जानकारी हम लोगों ने ले ली है। रोगी की जानकारी लेने के बाद हम एम्बुलेंस प्रिपेयर करते हैं। एम्बुलेंस प्रिपेयर करते वक्त एम्बुलेंस में वेंटिलेटर, सक्शन मशीन, एयरवेज, ये न्यूमोनिया की ट्रीटमेंट है या एयरवेज की ट्रीटमेंट है, लेकिन ये साथ में रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स जिसे दिल की शिकायत है उसे कभी भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और बड़ा वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए वेंटिलेटर वगैरह अच्छे से प्रिपरेशन लेके हम साथ में रखते हैं। उसके बाद ज़रूरी चीज़ होती है कार्डियक मॉनिटर अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कार्डियक मॉनिटर पे पेशेंट के दिल की धड़कन है, जिसे हम हार्ट रिदम कहते हैं, वो रिदम अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए कार्डियक मॉनिटर अच्छे से चेक करके रखते हैं। उसके बाद रहता है इन्फ्यूजन पंप्स। इन्फ्यूजन पंप्स को सिरिंज पंप भी कहते हैं। सिरिंज पंप में जो कार्डियक रिलेटेड मेडिसिन रहती है वो मेडिसिन हम हाफ हजारी, मतलब अंदाजन से नहीं दे सकते, उसे ठराविक या सीमित मात्रा में ही देना रहता है। तो ऐसे वक्त ये जो सिरिंज पंप है, ये सिरिंज पंप आवरली या मिनट वाइज या हाफ आवरली लिमिटेड अमाउंट में, सीमित अमाउंट में मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। इसलिए इन्फ्यूजन पंप 1, 2 या 3 अच्छे से चेक करके साथ में रखते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर यानी शॉक देने की मशीन।
जो बहुत बार हम लोग मूवीज में देखते हैं या हमें डॉक्टर हमारा कोई रोगी एडमिट है उसके ऊपर शॉक देते हुए बताते हैं, या आजकल ACLS BLS के जो वीडियोस आते हैं उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में भी हम लोग कार्डियक शॉक थेरेपी के वीडियोज में डिफिब्रिलेटर देखते हैं। डिफिब्रिलेटर रहना इसलिए जरूरी होता है कि बहुत बार कार्डियक पेशेंट्स में यानी दिल के पेशेंट्स में हार्ट रिदम चेंज हो सकता है जिसे अरिथमियाज कहते हैं। इसमें भी जो शॉकेबल रिदम्स है, शॉकेबल मतलब जहाँ पे शॉक देना जरूरी है उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, शॉर्ट में VFVT कहते हैं। ऐसे रोगी को अगर सडन VT या VF होता है उसे शॉक देते ही वो रिवाइव हो सकता है। हमारे कलीग डॉक्टर है डॉक्टर बजरंग अवस्थी, उन्होंने 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में एक रोगी को 22 से 23 बार शॉक दिया और उसके बाद वो रोगी रिवाइव हुआ। अगले अस्पताल में जाने के बाद उन्हें ICD इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर बैठाया गया, उसके बाद वो रोगी आज अच्छे से घर पर है। इस चीज़ को लगभग 6 से 8 साल हो गए। तो हर चीज़ हम लोग एम्बुलेंस में प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन के बाद हम लोग अस्पताल पहुँचते हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद रिश्तेदारों से हिस्ट्री लेते हैं कि रोगी को शिकायत कैसे स्टार्ट हुई, उन्हें पुरानी कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, या पहले कभी उन्हें कार्डियक रिलेटेड कोई इशू हो चुका है। दूसरी चीज रहती है, हम अस्पताल के डॉक्टरों से रोगी का डिटेल कोर्स पूछते हैं कि रोगी आया तब से उसे क्या क्या शिकायत हुई थी, आपने क्या ट्रीटमेंट दिए है, उसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट 2D को या फिर वहाँ पे एंजियोग्राफी वगैरह की है वो सभी के रिपोर्ट हम लोग साथ में देखते हैं। वो देखने के बाद हम रोगी के रिश्तेदारों को काउंसिलिंग करते हैं। रोगी के रिश्तेदारों को काउंसिलिंग करते वक्त कार्डियक पेशेंट्स में 5 या 6 चीज़ें हो सकती है जिसमें उसके दिल की धड़कनें कम ज़्यादा हो सकती है ट्रांसपोर्ट में, उसे अरिथमियाज कहते हैं, उसे फिर से दिल का दौरा गिर सकता है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, या हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा उसे कार्डियक अरेस्ट होता है, दैट इज एंड, मतलब यहाँ पे ये सबसे बुरा कॉम्प्लिकेशन होता है। कोई रोगी बहुत अच्छा है, उसे बस थोड़ी सी दिल की शिकायत हुई, अगले अस्पताल में पहुँचाना है, लेकिन एम्बुलेंस में जाने के बाद रोगी को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, यहाँ पे दिल पूरी तरह से काम कर देना बंद कर देता है, मतलब वहाँ पे उसकी मौत होने के चांसेस रहते हैं, डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट जैसे कॉम्प्लिकेशन हमें रिश्तेदारों को समझाने पड़ते हैं। बहुत से रिश्तेदार इतने ज़्यादा परेशान हुए वाले रहते हैं कि उन्हें ये चीज़ समझती नहीं है, फिर भी उन्हें अच्छे से हर चीज़ समझाना पड़ती है कि उन्हें कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे BP कम ज़्यादा हो सकता है, BP की दवा लगानी पड़ सकती है जिसे इन्फ्यूजन पंप से लगाते हैं हम लोग, उसके बाद अगर उनके दिल की धड़कन कम ज़्यादा होती है तो उन्हें शॉक देने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर कार्डियक अरेस्ट होता है ऐसे वक्त फिर हम CPR वगैरह के मेथड्स उपलब्ध कर जो अवेलेबल है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेशन समझाना। कॉम्प्लिकेशन समझाने के बाद हम लोग कंसेंट लेते हैं ताकि रोगी को कोई तकलीफ होती है तो उस चीज़ का हमारे पास रिटर्न में कोई तो भी प्रूफ रहना चाहिए। फिर हम अस्पताल में से जब एम्बुलेंस में रोगी को शिफ्ट करते हैं तो रोगी को शिफ्ट करने से पहले जैसे हमने न्यूमोनिया के पेशेंट्स में देखा कि हम लोग वेंटिलेटर, एयरवेज और बाकी सब चीज़ों का प्रिकॉशंस लेते हैं, वैसे ही कार्डियक पेशेंट्स में हम लोग उसके शुगर चेक करवा लेते हैं, उसके बाद उनका प्रेजेंट ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई अगर चालू है तो इन्फ्यूजन पंप में से अगर चालू है तो इन्फ्यूजन पंप में वो मेडिसिन एक्स्ट्रा सिरिंज फिल करवा के लेते हैं, उसके बाद उनका एक फ्रेश ECG निकलवा लेते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हो या अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उनका ECG किस तरह से जो हमको रिश्तेदारों को समझाने में काम आएगा। फिर उनका यूरिन कैथेटर क्लैंप करते हैं और प्रॉपरली रोगी को अस्पताल के बेड से एम्बुलेंस बेड तक शिफ्ट करते हैं। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद सबसे पहले तो कार्डियक मॉनिटर स्टार्ट करते हैं, BP कफ लगाते हैं, ECG लीड्स लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ECG रिदम वगैरह चेक करते हैं। ये चेक होने के बाद उनका इन्फ्यूजन पंप ट्रांसफ़र करते हैं अगर इन्फ्यूजन पंप्स पर है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवा हो या ब्लड प्रेशर कम करने की दवा हो, जो कोई दवा है वो तो दवा हम लोग हमारे इन्फ्यूजन पंप पे सेट कर देते हैं। अगर रोगी को ऑक्सीजन चालू है तो ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं, उन्हें वेंटिलेटर चालू है तो वेंटिलेटर स्टार्ट करते हैं, अगर उन्हें नेजल ऑक्सीजनेशन है या हाई फ्लो ऑक्सीजनेशन थेरेपी चालू है तो वो स्टार्ट करते हैं। सो ओवरऑल जो सेटअप ICU में था वही सेटअप हम लोग एम्बुलेंस में स्टार्ट करते हैं। एम्बुलेंस में स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड ट्रबल शूटिंग याद रखना रहता है।
ट्रबल शूटिंग मतलब होता क्या है, अगर इन केस जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वेंटिलेटर खराब हो जाता है तो हम लोग अम्बु या फिर बेंच सर्किट यूज करते हैं पेशेंट को ऑक्सीजनेशन करने के लिए, वैसे ही कार्डियक पेशेंट्स में जब हम शिफ्ट करते हैं, अगर कार्डियक मॉनिटर बंद हो जाता है या कोई एरर आ जाता है, ईसीजी लीड्स आते नहीं है, ऐसे वक्त हम लोग एक पोर्टेबल ईसीजी मशीन साथ में रखते हैं ताकि वो मशीन पर हम लोग कंटिन्यूसली रिदम देख सकें। दूसरी चीज़ रहती है, अगर इन्फ्यूजन पंप भी बंद हो जाता है तो इन्फ्यूजन पंप बंद होते हैं ऐसे कंडीशन में हम लोग 100 ml या 500 ml की जो सलाइन बॉटल्स रहते हैं नॉर्मल सलाइन, उस सलाइन में मेडिसिन के एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन से वो पेशेंट को या रोगी को हम लोग देते हैं, इसलिए हमारे पास चार्ज रहते हैं। अगर और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पेशेंट को बीच में ही वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों के पास एयरवे या इंट्यूबेशन किट का प्रिपरेशन रहता है ताकि उन्हें जल्दी से वेंटिलेटर स्टार्ट कर दे, इंट्यूबेट वेंटिलेट कर दे। अगर गलती से रोगी को अरिथमियाज हो गए, जैसे मैंने कहा था आपको VF या VT वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता है तो उन्हें इमरजेंसी शॉक दिया जाता है और शॉक थेरेपी से जिसे हम कार्डियोवर्जन कहते हैं, कार्डियोवर्जन से पेशेंट को रिवाइव करते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर रोगी को सांस लेने में तकलीफ है और वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे सेटल हो सकता है तो जो भी ट्रबल शूट की चीज़ है वो सब बैक ऑफ द माइंड प्लान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा एम्बुलेंस में जो भी चेंजेस हम लोग करते हैं, आवरली उनका मॉनिटरिंग करते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ECG में कुछ चेंजेस है, अगर कुछ चेंजेस है तो वो नोट करके मोबाइल में फोटोज लेके हमारे पास रखते हैं ताकि अगले अस्पताल में जब हम लोग पहुँचते हैं तो ये पूरा जो डाटा है, जो ब्लड प्रेशर है, क्या मेडिसिन हम लोगों ने दिए हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को आए थे, ये सब चार्ट वाइज हम अगले अस्पताल में प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब वहाँ पे पहुँचा देते हैं ताकि हम लोगों ने ऑन दी वे क्या क्या चीज़ की है उसका प्रूफ उनके पास रहे और क्या कॉम्प्लिकेशन और रोगी को आ सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट में उन्हें ये सब चीज़ों की हेल्प होती है। अस्पताल पहुँचने से पहले और जब हम अस्पताल से एक पेशेंट लेते हैं तो साइमल्टेनियसली हम अगले अस्पताल में इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोगों ने रोगी को एम्बुलेंस में लिया है और हमें अंदाजे से एक लगभग 2 घंटे या 3 घंटे या 4.5 घंटे का वक्त लग सकता है पहुंचने में। ये वक्त हम लोगों ने बता दिया, जब हम अस्पताल के 15-20 मिनट के डिस्टेंस पर है तब फिर से एक बार कॉल कर देते हैं ताकि वहाँ की जो रिसीविंग टीम है वो रिसीविंग टीम गेट पर प्रेजेंट हो और आने वाले कॉम्प्लिकेशंस या फिर रोगी की कंडीशन और ख़राब हो जाती है तो जल्द से उसको ट्रीटमेंट मिल सके। हम लोग रोगी को अस्पताल के गेट में पहुंचने के बाद रिसीविंग टीम के हैंडओवर करते हैं, जो भी चीज़ें चेंजेस हम लोगों ने की है वो सब चेंजेस हम वहाँ के डॉक्टर्स से डिस्कस करते हैं, उन्हें बता देते हैं। तो दोस्तों, ये था कार्डियक पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का क्या क्या प्रावधान हम लोग करते हैं। भारत में और महाराष्ट्र में डॉक्टर प्रसाद राजहंस सर, इन्होंने सबसे पहले कार्डियक रोगी के लिए कार्डियक एम्बुलेंस स्टार्ट की जिसे पुणे हार्ट ब्रिगेड नाम से भी जाना जाता है। आपको इस चीज़ के बारे में अगर कुछ जानना हो तो हमारा एक हिस्ट्री का वीडियो है, एम्बुलेंस हिस्ट्री का, आप वो देख सकते हैं। वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।